बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रूव दैट द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, जो हमारे पास ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी थी। तो इसको हमने जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है नोमिनेटर को, कि ए डी प्लस बी सी इंटू वन ओवर बी डी। तो जी देखें, हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई एक रियल नंबर किसी दो रियल नंबर के सम या डिफरेंस के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बारी बारी दोनों के साथ हम उसे लिख सकते हैं, हम उसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोला करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया जी, आपके सामने ए डी डॉट वन ओवर बी डी प्लस बी सी डॉट वन ओवर बी डी, यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई किया है। नेक्स्ट हमने ए ओवर बी इंटू डी डॉट वन ओवर डी प्लस सी ओवर डी इंटू बी डॉट वन ओवर बी, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे यूज किया हुआ है कि हमारे पास d जो है वो 1 ओवर d की फॉर्म में भी मौजूद था, इसी तरह b जो है दूसरी टर्म में वो 1 ओवर b की फॉर्म में भी मौजूद था। तो हम इसको कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू हमने इसका इनवर्स बनाया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, जैसा कि d मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर d, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, और b जो है वो 1 ओवर b, ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो ये एक दूसरे से इनवर्स होके 1 इन्होंने आंसर दिया हुआ है। तो 1 जो है, चूंकि हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, वो ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो या सी और डी के साथ मल्टीप्लाई हो, तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो यही रहेगी। तो इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है कि ए और बी प्लस सी और डी, मतलब राइट हैंड साइड हमारे पास 2 हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है जी -7/12 -5/18 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने के बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे मैंने आर डी एल के थ्रू लिखा हुआ है, कि हम इस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूं भी लिख सकते हैं। तो -21 मल्टीप्लाई बाई 1/36 -10 मल्टीप्लाई बाई 1/36। तो यहाँ पे फिर हमने इसके जी यहाँ पे फैक्टर बनाए हैं कि 36 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाई 12 किया है, और इसी तरह 21 -21 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 के, यानी हमने इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो यहाँ पे फाइंड किए हैं। इसी तरह 10 को हमने 5/2 का फैक्टर बनाया है, और 36 को हमने 2/18 का फैक्टर बनाया है, क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर यहाँ पे कुछ इन दोनों में था। तो नेक्स्ट हमने जी एसोसिएटिव लॉ लगाया है, जिसके अंदर हमारे पास 3 अगर कोई रियल नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका ऑर्डर चेंज करने से हमने पढ़ा था कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सिंपली एसोसिएटिव लॉ लगाया है ताकि इनवर्स वाली फॉर्म में एक दूसरे के साथ हम लिख सके। तो फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप -7/(1/12)(1) -5/(1/18)(1), यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का रूल अप्लाई किया है कि 3 और 1/3 एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, आंसर 1 देंगे। इसी तरह 2 और 1/2 भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ये भी आंसर 1 देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में -7/12 -5/18, यानी 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, बिकॉज 1 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास प्रूफ के फॉर्म में जो हमारे पास हुआ है कि -7/12 -5/18 ये हमारे पास बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड थी, तो प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं जी नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंपलीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, कि हर स्टेप को जिस तरह सिंपलीफाई करें साथ में बताते जाएंगे कौन सा रूल आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमारे पास ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी डिवाइडेड बाई ए ओवर बी माइनस सी ओवर डी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए मैंने गोल्डन रूल लिखा हुआ है। बेसिकली जब हम किसी एक नंबर को किसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि किसी एक नंबर को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली वो हमारे पास गोल्डन रूल होता है। तो यहाँ पे मैंने यही किया है
ए और बी के साथ मुझे डी रिक्वायर था, क्योंकि दूसरी टर्म जो थी वो प्लस सी और डी थी, उसका डिनोमिनेटर डी था। यहाँ पे मैंने डी को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। इसी तरह सी और डी के साथ बी को मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो ए और बी थी। तो इसे हमने गोल्डन रूल, इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में भी यही किया है कि ए और बी के साथ डी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, और माइनस सी और डी के साथ भी बी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने कोलिजर लॉ, जो कि हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन के अगर कोई फॉर्म है तो उसमें हमारे पास जब हम उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 1 ओवर डी मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई ए डी लिख दिया है, माइनस 1 ओवर बी डी मल्टीप्लाई बाई सी बी के फॉर्म में हमने लिखा, मतलब हमने कोलिजर लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको LDL से मैंने लिखा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है कि हमारे पास 1 और BD ऊपर नोमिनेटर में दोनों में कॉमन था तो उसे हमने पहले ले लिया है, बाकी AD प्लस CB के फॉर्म लिखे, इसी तरह डिनोमिनेटर के साथ कि 1 और BD इनटू AD माइनस CB। नेक्स्ट स्टेप में हमने अगेन गोल्डन लॉ अप्लाई किया है कि BD को हमने नोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी किया है और नीचे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास इस तरह जो है BD ओवर BD एक दूसरे से कैंसिल हो सकते थे। इन कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करके BD और नोमिनेटर में भी बी ओवर डी एक दूसरे से कैंसिल किया है और इस तरह डिनोमिनेटर में भी BD एक दूसरे से हमने कैंसिल किए हैं कैंसिलेशन लॉ के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आया है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के थ्रू आया है कि हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसको हम जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके हमारे पास ए डी प्लस सी बी ओवर ए डी माइनस सी बी के फॉर्म में आई है, तो ये हमारे पास इसका है। नेक्स्ट चलते हैं हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, के अगर कोई हमारे पास नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है और वो जो a एंड b हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो हम इस तरह की अरेंजमेंट जो हमारे पास होगी हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला करते हैं। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है रियल पार्ट और दूसरा हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। तो एडिशन हो या इसमें सब्ट्रैक्शन हो तो जो आयोटा के साथ वाला पार्ट होगा वो याद रखिएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, और सेकेंड पार्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉरी वो हमारे पास रियल पार्ट होगा। जिस तरह ये है ए प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पे ए जो है वो रियल पार्ट है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह जैसे 4 प्लस 5 आयोटा, तो 4 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है और 5 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह माइनस 3 माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 जो है वो रियल पार्ट है और माइनस 6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, बिकॉज ये हमारे पास आयोटा के साथ मौजूद है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।